11 मई 2023। देखिए ये हौदा, यहाँ से मैं 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ। और ये हौदा, ये मंदिर बन रहा है बगल में, ये यहाँ पर हौदा ये खाली रहता है। मई जेठ का महीना और हौदा है खाली। कम से कम 100-150 बानर सेना यहाँ पर इधर उधर सब घूम रहे हैं। इनको पीने के लिए स्वच्छ और जल कहीं नहीं उपलब्ध है, नाली का पानी पीने के लिए ये मजबूर है। सामने से आप देखिए, ये देखिए। तो हमारा ये कहना है कि बताइए कितने रुपए लगा करके ये मंदिर बनवाया जाता है, लाखों रुपए लगा करके। लेकिन इस मंदिर के बनने से इन बंदरों को क्या फायदा? अगर मान लीजिए बजरंग बली की यहाँ मूर्ति स्थापित होती है या फिर कोई और देवी देवता की, तो उस मंदिर से आखिर इन जीव जंतुओं को क्या फायदा है? ये हौदा तो खाली है। लाखों रुपए लगा करके भी अगर आप किसी की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं तो क्या मतलब है? यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए, कितने मजदूर यहाँ काम करते हैं उनको सोचना चाहिए, मालिक को सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। खैर मालिक तो इतने अच्छे हैं, कम से कम यहाँ खिलाने देते हैं वानरों को, वरना वानरों को कोई खिलाने नहीं देता। पानी मैं मांग करके लाया हूँ, ये देखिए बाल्टी में, और एक बाल्टी पानी देने में उनको इतना दिक्कत होता है, जो जिनके यहाँ से मैं ले करके आया हूँ, यहाँ आसपास कोई नल नहीं, और डेली डेली हमको मांगना पड़ता है, एक दिन भी नहीं चलता है ये पानी। कल बिना भरे मैं गया, क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पानी है ही नहीं, कोई ना नल है, और इतनी दूर से आने की वजह से ना कोई बाल्टी की व्यवस्था। एक लोग हैं, उनसे मांगना पड़ता है, और वो भी बड़े बेमन बेमन हमको देते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को, बाल्टी से मैं पानी इसमें अभी डालूंगा, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।